गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। लास्ट लेक्चर में हमने कोलिजन के टाइप पढ़े थे। अब हमने इलास्टिक कोलिजन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अब इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है, क्लियर। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज कंजर्व नहीं रहती? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी भी क्या रहती है? कंजर्व। तो हमने क्या लिया भाई, दो बॉडीज ले ली, ए और बी। ए कौन से मास है? M1। बी का मास क्या है? M2। ए मूव कर रही है U1 से, बी मूव कर रही है स्टेशनरी है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अब ये दोनों क्या कर गए? कोलाइड करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए। हमने पढ़ा था एग्जांपल, तीन टाइप के कोलिजन पड़े थे, एक इलास्टिक, एक इनइलास्टिक, एक परफेक्टली इनइलास्टिक। तो हम आप पढ़ेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि वो बुलेट वुडन में आके चिपक जाती है उसके अंदर, तो वो दोनों कैसे मूव करते हैं? एक कॉमन वेलोसिटी के साथ, क्लियर। उसी मैनर में ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से क्या कर गई है? स्टिक कर गई है। और कैसे मूव कर रही है? कॉमन वेलोसिटी के साथ। वो कॉमन वेलोसिटी क्या हो गई? वी, क्लियर। तो इस पे हमें वही अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्या ये काइनेटिक एनर्जी को फॉलो करता है? नो, तो काइनेटिक एनर्जी को फॉलो नहीं करेगा। तो हम इसमें ये फाइंड आउट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ है, क्लियर। तो सबसे पहले वी विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? सिस्टम का कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या रहता है? सेम। सिस्टम कौन है? ये और ये है ना। तो कोलिजन से पहले इसको ए बोल देते हैं बॉडी को, इस बॉडी को हमने क्या बोल दिया? बी। फिर इसको ए, इसको क्या बोल दिया? बी। कोलिजन से पहले इनका मोमेंटम क्या था? M1 U1 प्लस में 0, यस। क्योंकि ये बॉडी कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पे। तो उसका मोमेंटम कितना होगा? 0। तो कोलिजन से पहले क्या मोमेंटम है? M1 U1 प्लस में 0। फिर कोलिजन होने के बाद ये दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या करेगी? स्टिक। तो किसकी तरह एक्ट करेगी? एक सिस्टम की तरह एक्ट करेगी। तो पूरे सिस्टम का मास क्या हो जाएगा? M1 प्लस में M2, क्लियर। क्या हो जाएगा? M1 प्लस में M2। और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू में वेलोसिटी। तो इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई? क्लियर। ये अप्लाई करते हैं हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ सिस्टम। सिस्टम कौन है? ए एंड बी। कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन। कोलिजन होने से पहले क्या है? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ M1 U1 का स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। क्यों? कि ये कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पे। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या आएगी? हाफ M1 U1 का स्क्वायर प्लस में 0। तो क्या आ जाएगी? हाफ M1 U1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, कब? आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई? हाफ। मास कितना हो गया सिस्टम का टोटल? M1 प्लस में M2 इंटू में V का स्क्वायर। ये क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्लियर। अब देखो इस इनइलास्टिक कोलिजन में क्या चीज कंजर्व नहीं होती? काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इट मींस क्या है?
टकराने से पहले और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी बड़ी होगी, इनिशियल या फाइनल? इनिशियल, क्लियर है? टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टकराने के बाद एनर्जी क्या होगी, कम। तो हमें निकालना है कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, और वो लॉस किस फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में जैसे, ठीक है? तो हमने क्या करना है, लॉस निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। तो इनिशियल में से क्या माइनस करेंगे, फाइनल, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो पहले एक काम करो, इस इक्वेशन को 2 बोल दिया, इसको 3, इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया 1, ठीक है? इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लो, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको मैंने लिख दिया नीचे F लगा के, F मीन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्लियर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 प्लस m2 इनटू में v का स्क्वायर, क्लियर? इनिशियल कितनी है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ क्या हो जाएंगे, यहां से कैंसिल आउट, क्लियर? अब यहां से हम फाइंड आउट करेंगे v की वैल्यू, क्या है v की वैल्यू, यहां से m1 u1 डिवाइड बाय में m1 प्लस में m2, ठीक है? इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फोर्थ, इस फोर्थ इक्वेशन में इस v की क्या वैल्यू, तो क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्लियर? सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई किया, इन इलास्टिक कोलिजन की जो स्टेटमेंट थी, जो टाइप की डेफिनेशन थी, उसे उठाया। इन इलास्टिक कोलिजन ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व, क्लियर? तो ये हमारे पास ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये मोशन में है, ये रेस्ट पे है, क्लियर? ये आगे इससे टकरा गई, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या कर जाती है, चिपक जाती है, फिर दोनों साथ साथ क्या करती है, मूव करती है, तो ये कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, वी, क्लियर? फिर हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या रहता है, सेम, टकराने से पहले मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस में 0, टकराने के बाद क्या था, m1 प्लस m2 इनटू v, क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इट मींस टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, इसलिए पहले सबसे पहले हम सिस्टम की बिफोर कोलिजन निकालेंगे, फिर आफ्टर कोलिजन निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक का, हाफ एम वी का स्क्वायर, क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस में 0, और ये टकराने के बाद क्या आएगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल में से क्या माइनस करना है, फाइनल, क्लियर? क्योंकि शुरू में ज्यादा थी, टकराने के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसलिए उसको करने के लिए हमने इस इक्वेशन को इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट, क्लियर? उसके बाद पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फोर, क्या आंसर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्लियर? इसके एक बार आएगा m1 प्लस में m2 इनटू v का स्क्वायर, v कितना है, ये इस v का क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्या मिलेगा,
एम वन का स्क्वायर इनटू में यू वन का स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा एम वन प्लस में एम टू का स्क्वायर। क्लियर? और इनिशियल कितनी थी एम वन यू वन का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे हमने इस कॉमन जो वेलोसिटी थी वहां की वैल्यू को क्या किया है सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, जो चीज कटती है उसको हम क्या कर देंगे काट देंगे। क्या क्या कटता है देखो, यू वन का स्केयर कट जाएगा, एक एम वन से एक एम वन कट जाएगा, एक एम वन प्लस एम टू से एक एम वन प्लस एम टू कट जाएगा। क्लियर? तो क्या बचेगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, किसके इक्वल आ जाएगा एम वन बाय में एम वन प्लस में एम टू। ठीक है, क्या आ जाएगा एम वन डिवाइड बाय में एम वन प्लस में एम टू। क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है लॉस इन काइनेटिक, लॉस कैसे निकालेंगे इनिशियल में से क्या माइनस कर देंगे फाइनल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कैसे होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस के फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल को कैसे लिखा था अपन ने के डॉट ई और नीचे आई। क्लियर? और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस फाइनल, फाइनल कैसे लिखा था के डॉट डी के डॉट ई और नीचे एफ। क्लियर? ये क्या आ गई इनिशियल माइनस के फाइनल। अब हम क्या करेंगे ये जो इक्वेशन है इसमें से फाइनल काइनेटिक एनर्जी के क्या पुट कर देंगे वैल्यू, वैल्यू पुट करने के हम बाद हमारा क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, और वो किस फॉर्म में होता है जैसे हीट की फॉर्म में साउंड की फॉर्म में। क्लियर? तो कैसे करेंगे बताओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या पुट कर दोगे इसको, फाइव इक्वेशन मान ली, फोर मान चुके थे ना, फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन को यूज करके किसकी वैल्यू पुट कर देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। क्या वैल्यू है फाइनल की एम वन डिवाइड बाय में एम वन प्लस में एम टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको इधर लेंगे और फाइनल की क्या पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, कहां से आई है इक्वेशन, पुट पुटिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, फिफ्थ ये नाम दिया ना ये। ठीक है, तो क्या हो गया इन दोनों में से क्या कॉमन आउट आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो क्या आ गया कॉमन आउट। क्लियर? अंदर क्या बचेगा वन माइनस के एम वन डिवाइड बाय में एम वन प्लस में एम टू, आ गए एकदम। ठीक है, इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं आप, एलसीएम ले लिया आप क्या एम वन प्लस में एम टू, एलसीएम आ गया अपना एम वन प्लस में एम टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एम वन प्लस में एम टू, और यहाँ क्या बचेगा माइनस के एम वन, एम वन प्लस में एम टू माइनस के एम वन, तो ये एम वन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, आगे समझ इतना, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू क्या होती है हाफ एम, बताओ क्या थी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू हाफ एम वन यू वन का स्क्वायर, क्या थी हाफ एम वन, ये तो जीरो थी क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ एम वन यू वन का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे क्या बचेगा एम टू, तो साथ में क्या आ जाएगा एम टू, और नीचे क्या बच जाएगा एम वन प्लस में एम टू। क्लियर? तो यहां से हम क्या निकाल देंगे कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ,
क्योंकि देखो हमें पहले वाली बॉडी का मास पता है, दूसरे वाली बॉडी का मास पता है, पहले वाली बॉडी कितनी वेलोसिटी से जा रही है वो भी पता है। तो ये सब हम निकाल के हम निकाल देंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या निकला, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और ये किस फॉर्म में लॉस हुआ बोलो, हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में। जैसे ये बॉल जब टकराती है हमारे पास सरफेस पे तो क्या होता है, हीट भी होती है, वो चीज़ गर्म हो जाती है और साउंड भी आती है। तो ये लॉस हीट या किस फॉर्म में हो जाएगा, साउंड की फॉर्म में, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डे। क्लियर, सिंपल ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इन इलास्टिक कोलिजन डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर यहाँ से आप क्या निकाल देंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है हीट या साउंड की फॉर्म में, ठीक है। तो ये यूनिट यहीं पे होते हैं ओवर, ठीक है। तो हम करेंगे आगे अगली नेक्स्ट यूनिट।